वाला हूँ किस तरीके से सब स्टेशन में 33 KV से 11 KV में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और उस 11 KV को डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग यूज करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 33/11 KV का एक सब स्टेशन मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल के थ्रू मैं आज आपको समझाऊंगा किस किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं, सारे डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दिखा हुआ है 33 KV इनकमिंग लाइन। तो ये क्या है, सबसे पहले 33 KV इनकमिंग लाइन हम लोग लेते हैं कि जहाँ से 33 KV आ रहा है, अलग अलग जगह से आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 33 KV लाइन लाते हैं और बेसिकली सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लाइटनिंग एरिस्टर का यूज करते हैं, उसके बाद ही 33 KV को आगे फीड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लाइटनिंग एरिस्टर नहीं लगाया गया है, तो सबसे पहले लाइटनिंग एरिस्टर लगाते हैं, उसके बाद उस 33 KV को आगे हम फीड करते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे फीड होता है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी मीटर लगा होता है। एनर्जी मीटर क्या होता है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उस एनर्जी मीटर से हम लोग मेजर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनर्जी मीटर है, ये एनर्जी मीटर लिखा हुआ 33 KV इनकमिंग एनर्जी ऑडिट मीटर, जो कि एनर्जी को मेजर करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एनर्जी मीटर है। उसके बाद वहाँ से 33 KV से आया, 33 KV से आने के बाद इस एनर्जी मीटर में गया और इस एनर्जी मीटर से होते हुए 3 फेज जो है, 3 वायर्स आपको दिख रहे होंगे, ये 3 वायर्स वापस आते हैं कहाँ पर, इंसुलेटर के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक जगह पे इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर के थ्रू आता है आइसोलेटर के पास। आइसोलेटर जो होता है, आइसोलेटर का वर्क ये होता है कि जस्ट सपोज कहीं पर अगर फॉल्ट आ गया तो हम लोग आइसोलेटर से उसको आइसोलेट कर सके, उस फेज को अलग कर सके, इसलिए यहाँ पर आइसोलेटर्स होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइसोलेटर्स यूज किया गया है। ये जो आपको डंडा सा दिख रहा है, ठीक है, रॉड जैसा दिख रहा है, इसके थ्रू हम लोग आइसोलेट करते हैं। जब सर्किट को ऑन करना होता है तो हम सीधा रखते हैं और जब हमें कट करना होता है फेस को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर देते हैं। इसका जो हैंडलिंग होता है वो वहां से होता है। जैसा कि आप वहां पर देख रहे हैं, एक लगा हुआ है, ठीक है, जो वहां पर लिखा हुआ उसके नीचे आप देख रहे हैं, वहां पर लगा हुआ एक हैंडल, उस हैंडल के थ्रू हम लोग इसे ऑपरेट कराते हैं। इसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों होता है। तो ये हो गया, देखिए ये जो रॉड दिख रहा है आपको, इस रॉड से आपस तीनों में कनेक्टेड है। अब जैसे उसे हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ये तीनों आइसोलेट हो जाएंगे या फिर कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद आइसोलेटर के बाद क्या होता है कि आइसोलेटर के आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसोलेटर के आने के बाद फिर डायरेक्ट हम लोग ए बी स्विच को देते हैं, लेकिन ए बी स्विच से पहले हम लोग पी टी को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो पी टी हमारा होता है वो पी टी पैरेलल में कनेक्टेड होता है। पी टी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 33 KV पी टी यूनिट। पी टी यूनिट जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, जो कि वोल्टेज को मेजर कर रहा है, और पी टी जो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल में हम लोग लगा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग सिंपली वायर लेते हैं और पी टी को कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर में देख रहे हैं। फिर उसके बाद पी टी हो गया, तो पी टी जो है वोल्टेज को मेजर कर लेगा कि जो 33 KV आ रहा है वो 33 KV एक्चुअल आ रहा है कि नहीं, उस चीज को मेजर करने के लिए लगाते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी स्विच लगाया गया है। ए बी स्विच का फुल नेम ये होता है कि एयर ब्रेक स्विच, यानी कि ए बी स्विच जो होता है हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि फिजिकली हम लोग उसे जिस तरीके से आइसोलेटर है आइसोलेटर को आइसोलेट करते हैं, उसी तरीके से ए बी स्विच को भी हम लोग आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। लाइन को फॉल्टी कंडीशन, यानी कि फॉल्टी लाइन और हेल्दी लाइन को आइसोलेट करने के लिए हम लोग ए बी स्विच का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर एक फेज के लिए अलग अलग ए बी स्विच लगा हुआ है। जब ए बी स्विच हमारा हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वी सी बी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 33 KV ए बी स्विच लगा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्किट ब्रेकर है वी सी बी। बेसिकली हम लोग 33 KV लाइन पे वी सी बी का यूज करते हैं और इससे ऊपर हाई टेंशन लाइन पे हम लोग यूज करते हैं एस एफ सिक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 KV वी सी बी लगा हुआ है। वी सी बी सर्किट ब्रेकर जो है आपको दिखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर ये लगा हुआ, इसका इनपुट वायर यहाँ है और इसके आउटपुट वायर यहाँ है। अब जैसे जस्ट सपोज दैट यहाँ पर कोई फॉल्टी कंडीशन आया, तो इस फॉल्टी कंडीशन को क्या करेगा, ये वी सी बी क्या कर देगा, कट कर देगा। वी सी बी सर्किट ब्रेकर है तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा ताकि हेल्दी पार्ट को फॉल्टी पार्ट से अलग कर दे, ताकि हेल्दी पार्ट में भी फॉल्ट ना आए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर वी सी बी यूज करके करते हैं, ठीक है। वी सी बी को ऑपरेट कराता है रिले, ठीक है, रिले लगा होता है, रिले के थ्रू ये ऑपरेट होता है और रिले जो है वो सीटी के थ्रू ऑपरेट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीटी लगा हुआ, 33 KV सीटी यूनिट। वी सी बी से जैसे ही करंट पास करता है, जैसे ही उससे आगे लाइन जा रहा है, तो हम लोग सीटी का यूज करते हैं। सीटी जो होता है बेसिकली हम लोग इसके प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, और मेजरिंग के लिए भी यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो सीटी लगा है, तो सीटी का पहला फंक्शन ये होगा कि वो क्या करेगा कि इसके थ्रू जो करंट आ रहा है वो कितने अमाउंट में करंट आ रहा है उसको मेजर करेगा। और जैसे ही जब ये सीटी एक तरीके से मेजरिंग का काम कर दिया, अब उसके बाद एक तरीके से प्रोटेक्शन भी काम करता है। इसका एक वायर होता है जो रिले को फीड होता है, ठीक है। सीटी हमेशा 800/5 एम्पेयर, 100/5 एम्पेयर या 1000/5 एम्पेयर के रेशियो में होता है, यानी कि अगर यहाँ से 800 करंट फ्लो कर रहा है तो आउटपुट में जो सेकेंडरी साइड में मिलेगा वो हमें 5 एम्पेयर मिलेगा। 5 एम्पेयर मिला तो वो 5 एम्पेयर रिले को जाएगा, ठीक है, रिले को जाएगा। या 1 एम्पेयर दे रहा है, 800/1 है, तो 1 एम्पेयर रिले को देगा और रिले उस पर ऑपरेट होगा। अब जैसे ही यहाँ पर फॉल्टी कंडीशन आता है तो ये सीटी क्या करेगा, मान लिया जाए 800 की जगह पे 1000 आया, तो फॉल्टी करंट आया तो सेकेंडरी का भी करंट थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिले को हाई अमाउंट में करंट मिलेगा तो रिले ऑपरेट होगा। रिले से कनेक्टेड होता है ये हमारा वीसीबी, जो कि वीसीबी को ट्रिप करा देता है, वीसीबी के थ्रू सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये होता है सीटी। उसके बाद सीटी के होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इंसुलेटर का यूज करके इंसुलेटर में है, उसके बाद सीधा पावर ट्रांसफार्मर पे इसको फीड कर देते हैं। पावर ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का पूरा रेटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 5 MVA की जो कैपेसिटी है वो 5 MVA
है, की रेटिंग है, और ये जो भी है मतलब एक तरीके से बताया गया इस तरीके से वैल्यूज पावर ट्रांसफॉर्मर के लिखे होते हैं। ये 33x11 के वी का पावर ट्रांसफॉर्मर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे तो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज आया है तो थ्री फेज को इसी तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अच्छे से दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऊपर वाला जो बड़े बुशिंग है, जो बड़े वाले बुशिंग है, उस बुशिंग के ऊपर इनपुट आ रहा है, यानी कि 33 kV हम लोग दे रहे हैं, और जो छोटे वाले बुशिंग है इस बुशिंग से हम लोग 11 kV को ले रहे हैं, यानी कि आउटपुट के थ्रू पे ले रहे हैं। यानी कि इस साइड वाला जो बुशिंग है वो सेकेंडरी साइड है, उस साइड वाला बुशिंग जो है वो प्राइमरी साइड है। जब ये हो जाता है तो यहाँ पर देखिए लाइटनिंग एरिस्टर का इस तरीके से यूज किया गया है, इसको ग्राउंड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 11 kV लाइटनिंग एरिस्टर है, जैसा कि इस तरीके से होता है 11 kV के लिए छोटा है, तो यहाँ पर यह लाइटनिंग एरिस्टर को ये जो आया है ना, ये देखिएगा, ये तीन जो है उस आइसोलेटर के बाद जो ये वाला लगा है, ये तीन साइड में ये लगा हुआ है। इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड कर देते हैं ताकि लाइटनिंग के इफेक्ट से हम लोग बच सके। तो यहाँ पर लाइटनिंग एरिस्टर का यूज किया गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइटनिंग एरिस्टर्स आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 11 kV का VCB लगाते हैं। अब जस्ट सपोज दैट वहाँ पे फॉल्ट आया तो उसके लिए वो VCB हो गया। अब 11 kV साइड पे अगर फॉल्ट आता है तो 11 kV मेन VCB लगाते हैं कि 11 kV अगर फॉल्ट आए तो यहाँ पर ये VCB काम करे और उसके बाद हेल्दी पार्ट को अलग कर दे। फिर उसके बाद देख सकते हैं ये CT लगा हुआ है, 11 kV CT है, तो CT जो है वो वैल्यू के ऊपर है, कितने वोल्टेज पर ऑपरेट करना है उसके लिए अलग अलग CT बनता है। तो यहाँ पर CT कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखिए वहाँ पर कुछ अलग तरीके का दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जो CT देख सकते हैं वो इस तरीके का है। उसके बाद हम लोग CT के बाद हम लोग आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कभी सर्किट को आइसोलेट करना हुआ तो आइसोलेटर का यूज़ करके हम लोग सर्किट को आइसोलेट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर सकते हैं क्या, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग सीटी के बाद हम लोग यहाँ पे PT का यूज़ किए हैं। ये PT जो है 11 kV PT है, जो कि PT, ठीक है, PT जो है जो क्या करेगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। फिर उसके बाद ला करके कनेक्ट करके हम लोग यहाँ पर फिर से एक AB स्विच का यूज़ करते हैं। AB स्विच को यूज़ करने के बाद हम लोग एक फिर से VCB लगाते हैं। 11 kV फीडर VCB है, ये हर एक फीडर के लिए अलग अलग VCB होता है। वो VCB जो है ना, इससे पहले जो VCB आपको मैंने दिखाया वो VCB 11 kV पर फिक्स है कि वो एक पे होगा। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पावर ट्रांसफॉर्मर के बाद अलग अलग फीडर हो जाते हैं, 3-4 फीडर्स हो जाते हैं, तो वो फीडर्स में क्या होता है, अलग अलग VCB लगते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक ही फीडर दिखाया गया है, तो एक ही यहाँ पर 3 फेज तो 3 VCB लगे हैं, क्या अलग अलग फीडर होते हैं, 4-5 फीडर हो जाते हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग लगता है। तो ये 11 kV फीडर VCB है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिर से यहाँ पर CT का यूज़ किया गया है। CT को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, CT का यूज़ किया, ये 11 kV में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से आप लोग का पूरा हो गया कंप्लीट, ये हो गया PT। PT के बाद जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर से पहले हम लोग फीड कर देते हैं, सब स्टेशन से फीड हो जाता है। फीड होने के बाद क्या होता है कि फीड होने के बाद ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 11 kV। आप देखते होंगे 11 kV हेडलाइन जाते हैं, उसके बाद फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हम लोगों के स्ट्रीट वगैरह में या रोड साइड में लगे होते हैं। तो यहाँ तक इसका काम खत्म हो जाता है सब स्टेशन का। अब उसके बाद जब ये फीड हो गया, 11 kV हर जगह फीड कर दिए, तो जो गलियों में या फिर रोडों के पास जो ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो ये ट्रांसफॉर्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, जिसका कि यूज़ करके हम लोग 230 वोल्ट सिंगल फेज, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर का मैंने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद आप देखिए यहाँ पर सिंगल फेज पोल का लिखा हुआ है 4 फीट जो भी है, ये यहाँ पर 230 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, 11 kV पे हम लोग कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं, ताकि इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर बैंक और भी यूज़ है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है सब स्टेशन का वर्किंग है, इस तरीके से ये चीज़ें लगी होती हैं जो कि मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया वही चीज़ें ही लगी होती है। ये पूरा मॉडल बनाया गया है, तो आज मैं इधर आया था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।